हेलो गाइस, मैं सौरभ शर्मा, MBBS स्टूडेंट फ्रॉम कैलकटा नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सो गाइस, अगर आपका 500 से कम आ रहा है तो ही आप इस वीडियो को देखना। जिनका ज़्यादा आ रहा है ना, उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आई नो यार, तुम 600 प्लस ले आओगे, लेकिन जो बाकी के बच्चे हैं वो कैसे लेके आएंगे, उनके लिए वीडियो है। क्योंकि जो जो 500 से कम लेके आ रहे हैं ना, मतलब समझो यार, 500 से कम, लाइक 200, 250, 300, 350, 400, एक बात बता भाई, 15 लाख में अगर तुम इतने कम मार्क्स लेके आ रहे हो तो एक बात बताओ, सीट डिजर्व करते हो क्या? ऑब्वियसली नहीं करते हो। लेकिन एक बात बताओ, अभी भी आपके पास टाइम है। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, 77 डेज के अराउंड है, ठीक है? कितने डेज है? 77 डेज। अब एक बात बताओ, अब मैं बोलूँगा तुम्हारे पास 70 मिनट है तो ज़्यादा इंस्पायर हो गए क्या? नहीं ना, अभी तुम्हारे पास 70 दिन है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट के ऑलमोस्ट 70 दिन है। अब यहाँ पे बात आती है यार, कुछ बोर्ड्स वाले बच्चे हैं, कुछ ड्रॉप करके पढ़ रहे हैं। अब आते हैं पहले ड्रॉप वाले बच्चों से, एक सवाल पूछता हूँ। याद है नीट 2019 दे के जब पेपर निकले थे और रिजल्ट निकाला था, फिर कैलकुलेट किया, सीट नहीं मिला, उस दिन मन में सोचा था ना कि अगले साल एम्स दिल्ली होगी, क्या हो गया? नहीं हुआ भाई, एक गवर्नमेंट सीट तो निकल सकती है अभी भी, अभी भी एक गवर्नमेंट सीट तो निकल सकती है। ट्राई करके देखते हैं ना, ट्राई करके देखते हैं, एक गवर्नमेंट सीट तो निकल ही सकती है। अब बारी आती है ट्वेल्थ वाले बच्चे। भाई भूल गए क्या वो दिन, अभी से एक महीना पहले, ट्वेल्थ नहीं है, सबके लिए बता रहा हूँ, एक महीना पहले आपने बोला था कि आज मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगा, मैं आज पढ़ाई स्टार्ट करूँगा और बढ़िया से करूँगा, और बढ़िया से करूँगा। कहाँ गई वो पढ़ाई? अभी तक स्टार्ट नहीं हुई क्या? अभी तक स्टार्ट नहीं हुई तो कब होगी स्टार्ट? अगले नीट के लिए क्या? नहीं ना, अभी स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आप लोग में से बहुत लोग हैं यहाँ पे, कुछ मैं बात बता रहा हूँ, जो जो कॉमन प्रॉब्लम्स है ना, कि क्या क्या चीज़ आपको रोक रही है यार, क्या चीज़ आपको रोक रही है 500 प्लस से ऊपर जाने के लिए, क्या चीज़ें ऐसी जो आपको रोक रही है। देखो, सबसे पहली बात, यू आर नॉट हेयर टू इम्प्रेस एनीवन, पहले तो इस जान ले। मेरे वीडियोज़ के नीचे भी कहीं पर भी थैंक यू बोलने से क्या होगा? मैं तेरे को रिटर्न गिफ्ट दूंगा? नहीं दूंगा। या फिर मेरे पास मेडिकल कॉलेज की सीटें हैं, किसी के पास भी, ठीक है, जाके लिखने से कुछ होगा फायदा? नहीं होगा। बेटर तुम टाइम सेव करो यार, वीडियो देख ली, अच्छी लगी, ठीक है, को बस लाइक कर दिया, वो भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं मान लिया, लेकिन उसके बाद तो पढ़ाई करो ना। यू आर राइटिंग की समथिंग दैट भाई, अगर वैसे हो ना तो यू आर नॉट सीरियस नीट एस्पिरेंट। अगर कोई वीडियो देख रहा है और कमेंट ऐसे रेगुलर करता है, चेंज दिस। क्यों? क्योंकि माइंड सेट में लगता है ये बात। कैसे? एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो आपने कमेंट लिखा, किसी ने लाइक किए, वो अब आपके अंदर आ गया यार, अगले बार वैसा लिखूंगा तो और ज़्यादा आएगा। मैन चेंज दिस, इससे आपको मेडिकल कॉलेज नहीं मिलने वाला। एंड बारी आती है यार, अभी भी टाइम बाकी है, अगर नहीं किया तो लास्ट टाइम में रिग्रेट होगा और फिर बाद में हार थक के बोलोगे शायद मेरे लिए MBBS बना ही नहीं है। ये नहीं सुनना चाहता हूँ मैं आपके मुँह से, ठीक है? अब आप बोलोगे नहीं भैया, ऐसे ही होता है हर साल। देख भाई, हर साल होता होगा, तेरे साथ नहीं होना चाहिए, तेरे साथ नहीं होना चाहिए। रीज़न क्या है? वीडियो देख रहे हो ना, उसको अप्लाई करो। अप्लाई नहीं करोगे तो ऑब्वियसली होने वाला है, वो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 500 से नीचे स्कोर आ रहा है तो कैसे इंप्रूव करोगे? इंप्रूव करने के लिए एक वीडियो देख, उसको पकड़, उसका शेड्यूल का अप्लाई कर, किसी का भी यार, हजारों वीडियोस भरी हैं यूट्यूब पे और सब के सब है, आप जाके एक बार अप्लाई करके देखो यार, 7 दिन अप्लाई करके देख। एक दिन अप्लाई किया, बोला नहीं नहीं शायद वो वाले अच्छी होगी वीडियो, भाई वैसा मत कर, जिंदगी के साथ मत खेल, इंप्रूव कर, इंप्रूव। अभी हो सकता है, टाइम है तेरे हाथ में, टाइम को यूज़ करना, यूज़ कर। अभी तुम बोलोगे नहीं ये तो बकवास है यार, ठीक है अभी चल जा, अभी स्किप कर दे, बकवास लग रही है, स्किप कर दे, नहीं सुनना है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो बच्चे 500 से कम ला रहे हैं ना, उनके लिए ये बात ज़रूरी है। उसके बाद क्या बात आती है भाई? सिलेबस। भाई साहब, ये जो सिलेबस है ना, कब फिनिश होगा आपका? क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे कोचिंग वाले होते हैं, कोचिंग में आपका हो चुका रहता है, टॉपर भी भाई आपके उधर भी पढ़ता रहता है, जिसके 600 आते हैं टेस्ट में और आपके आते हैं 300, 350, 250। कमी कहाँ रह जाती है? कमी वहीं पे रहती है, वो टॉपर क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा चलता है और आप नहीं चलते हो। एक्स्ट्रा छोड़ो ना, आप अपने कोचिंग का मटेरियल भी एकदम सीरियसली फिनिश किए हो, नहीं किए हो, अंदर में वो डर लग जाता है कि यार फिनिश करूँ नहीं करूँ, फिर शर्म आने लग जाती है कि टीचर से डाउट पूछने जाऊँगा तो वो बेइज्जती कर देगा। भाई उस छोटी से बेइज्जती के कारण क्या, तुम एक बात बता, ना टीचर तुमको याद रखेगा ना तुम टीचर को। ऑब्वियसली मेडिकल कॉलेज मिलने के बाद एक दो बार अगर मेडिकल कॉलेज मिल गया तो आप याद रखोगे, नहीं मिला तो उस टीचर की शक्ल भी देखने नहीं जाओगे, और ना वो टीचर तुम्हारे पास इतना टाइम, वो टीचर तुमको रास्ते में देख के बोलेगा ओ ये वही लड़का था या वो लड़की थी जिसने मेरे से डाउट पूछा, ए इसको ये भी नहीं आता।
ना तुमको दोस्त याद रखने वाले, जो जन सो कॉल्ड फ्रेंड सर्कल, सो कॉल्ड सोशल सोशल मीडिया या सोशल सर्कल जो भी, ठीक है, वो आपको कोई याद नहीं रखने वाला अगर आपका नीट नहीं निकला। यू आर जस्ट यार एक पर्सन हो तुम यार, कौन याद रखेगा, कोई याद नहीं रखने वाला। कुछ बड़ा करो ना, तब जाके याद रखेंगे लोग, ठीक है। इम्प्रूव करो अपने आप को, अगर मेडिकल कॉलेज निकाल लिए ना अभी इस टाइम से, लोग याद रखेंगे। बोलते हैं मिसालें दी जाती हैं, दी जाएंगे मिसालें, याद रखना। ओके, अब आप बोलोगे नहीं भैया कैसे होगा, आप तो यहाँ पे हमको बता ही नहीं रहे हो कैसे करेंगे। भाई एक बात बताऊँ, एक छोटा सा बात बताता हूँ, 500 से कम आ रहे हैं ना, यू नो तेरा गलती कहाँ हो रहा है, मैं गिनाऊँ? सबसे पहले लेजीनेस छोड़ दे। अब तू बोलेगा नहीं भैया मन ही नहीं करता पढ़ने का। याद है कोटा फैक्ट्री से सब इंस्पायर होते हैं बट अप्लाई कोई नहीं करता, यही बात है। वो है ना दिन भर बैठा रहता था चिपक के कि भैया पढ़ना है, टाइम देना है, टाइम दोगे तो अपने आप इंटरेस्ट आएगा। एक बात बताओ यार, अगर सामने से किसी का रिप्लाई नहीं आता तो फिर आपको इंटरेस्ट भी नहीं आता, अगर रिप्लाई आया तब आप बात कर रहे हो। तो वैसे ही होता है ना कि बुक को आप जब तक रिप्लाई नहीं दोगे, जब तक अपने बुक को रिप्लाई नहीं दोगे, जब तक उसको खोल के नहीं पढ़ोगे, यार किसको मन करता है, किसी को मन नहीं करता पढ़ने का, किसी को मन नहीं करता पढ़ने का। भाई कौन है ऐसा, वो एक दो होते हैं भाई, बोल रहा हूँ ना कि 100 में एक दो होते हैं जो बोलते हैं यार पढ़ना है, पढ़ने में मज़ा आता है। भाई किसी को पढ़ के ऐसा नहीं होता, पढ़ना पड़ता है क्योंकि मेडिकल की डिग्री चाहिए आपको, एंड हमारे भी एग्जाम्स आते हैं, हम भी एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं कि हवा में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ एक गुड न्यूज़ यार, अभी अभी जस्ट हमारा सेकेंड एमबी का रिजल्ट निकला, एंड ऑफिशियली सौरभ शर्मा MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल विथ ओवरऑल पास एंड ऑनर्स इन फार्माकोलॉजी। थैंक यू सो मच, बस बस हो गया, मैं कमेंट ही ऑफ कर दूंगा, कोई कमेंट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आई डोंट वॉन्ट कि यार आपके वो थैंक यू मैसेज, इस वीडियो में कोई डाउट नहीं रहने वाला, मैं जानता हूँ, एंड स्ट्रेटेजी रिलेटेड वीडियो भी आ रही है, डोंट वरी, ठीक है। अब बारी आती है यार लेजीनेस, भाई तू फिक्स कर टाइम। एक बात बताता हूँ, टॉपर और तुम्हारे में क्या डिफरेंस है, वो एक साल से पढ़ रहा था, या फिर अगर कुछ होता है ना जो बोर्ड्स के साथ क्रैक करते हैं, 12th के साथ, वो 2 साल कंटिन्यूअसली मेहनत किए हैं, वो तुम्हारे जैसे 3 महीने 2 महीने नहीं किए हैं कि आप उनकी स्ट्रैटेजी जानोगे 3 महीने में वो क्या किए थे तो वही अप्लाई करोगे, होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका कंसेप्ट सॉलिड था, उनके कोचिंग्स में अच्छे मार्क्स आते थे, तुम्हारे आते हैं क्या? नहीं आते ब्रो, तो सोच के देखना, सोच के देख लगेगा ही कैसे वो चीज़। वो बोलेंगे 7 घंटे पढ़, 8 घंटे, वो बोलेंगे घंटे मैटर ही नहीं करते हैं टॉपिक। अरे भाई साहब तुम तो बैठना ही नहीं चाहते हो, तुम उनसे क्या कंपेयर कर रहे हो, बैठना ही नहीं चाहते हो यार, पहले बैठना सीखो ना, पहले बैठना सीखो। बोलते हैं ना कि 10 से 12 घंटे बैठो यार किताब के साथ, बैठोगे तो अपने आप को, फोन छोड़ के, अगर फोन से पढ़ाई करते हो तो सारे एप्लीकेशन हटा के, जो उल्टे सीधे एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको हटा के, ओके, तब जाके होगा, ऐसे नहीं होता यार, ऐसे मेहनत। एक बात बता यार, कोई भी इंसान है ना, किसी को फ्री में कुछ मिलता है क्या? भीख भी ना, भीख के लिए भी चिल्लाना पड़ता है कि दे दो भाई, तब मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है, ठीक है। लॉजिक लगा उसको यार, घर घर में मॉम डैड को देख कितना मेहनत करते हैं तेरे लिए, तुम उतना छोटा सा काम को तुम नहीं कर सकते हो क्या? 500+ तुम्हारे लिए कोचिंग में खर्चा किए, तुम्हारे लिए सब कुछ किए, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, अभी भी टाइम है यार, सुधर जा सुधर जा सुधर जा, ठीक है। अब बोलेगा कि सर नहीं, आप मेरे को बताइए कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए, टाइम टेबल स्पेसिफिक एक बताऊंगा, लेकिन एक और सुन ले, 10 से 12 घंटे तेरे को पढ़ने पड़ेंगे अगर तेरा 500 से कम आ रहा है, एंड अगर 200-300 वाले हो मेरे भाई, तो 12 घंटे तो टान तू डेली डेली 12 घंटे। आप बोलोगे नहीं सर समझ ही नहीं आता, देर आर लैक्स ऑफ वीडियोज ऑन यूट्यूब, फ्री का कंटेंट है, पेड कंटेंट, जो इच्छा देख, लेकिन कर कर भाई, नहीं करेगा तो फिर कैसे होगा, तुम नहीं करोगे तो फिर कौन यार, छोड़ दो फिर, तब MBBS है ही नहीं यार तुम्हारे लिए। तो एक बात बता रहा हूँ ना, MBBS में ना आने के लिए हालत ख़राब होती है, और MBBS कंटिन्यू करने में भी, तो ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग विल भी, बोलते हैं ना स्पून फीड नहीं किया जाएगा आपको कुछ चीज़ भी ज़िंदगी में। एक बात बता, ये याद है बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं बट उनके बेटे बेटी डॉक्टर नहीं बन पाते, रीज़न क्या होता है, वो मेहनत नहीं करते ना वैसा जैसे उसके मॉम डैड की हो, लेकिन आप देखते हो एक किसान का लड़का या कहीं का भी, देखो ऑब्वियसली ना, मैं अगर अपनी बात बताऊँ, मेरे सात सात पीढ़ी बोलते हैं ना कि 7 सातों जनरेशन में मेरे कोई डॉक्टर नहीं है, ना मेरे उतने फैमिली में कोई एजुकेटेड एजुकेशन का बैकग्राउंड था, स्टिल आई एम स्टडिंग हेयर ना इन कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो भाई मेहनत लगती है, वो मेहनत करनी पड़ेगी। ओके ना, अब बारी आती है सर गैप्स की, कि भैया अब आप बोलोगे कैसे कवर अप करें सर पुराना सिलेबस ये वो, सब पे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए क्या क्या पॉइंट तेरे को नोट डाउन करना है,
तू पहले टाइम दे के बैठना सीख, अगर तू नहीं बैठेगा ना भाई कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद बारी आती है भाई तुम्हारा वीक टॉपिक, तुमको पता है, मेरे को नहीं पता, तुमको पता है कि तुम्हारा ये वीक है। मान लो अगर मैं आपको बोला कि भाई शायद ग्रेविटेशन तुमको नहीं आता, जाके अप्लाई करके देखा आता है नहीं आता, अब आप बोलोगे कैसे अप्लाई करें सर, कैसे अप्लाई करें। देखो ये जो वीडियो है ना, इसमें आपको बता रहा हूँ कि 500 से कम आने के रीज़न क्या है यार, ठीक है। इधर उधर जो कूदते हो ना वीडियोज़ पे कि इसकी वीडियोज़ की स्ट्रैटेजी, इसका ये मज़ा आ रहा है, ओ सर थैंक यू सर, बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हो सर, भाई वो पैसे नहीं देंगे, या मैं ही पैसे नहीं दूंगा, ना कोई और देगा, ठीक है। ऑब्वियसली मेरी वीडियो पे आप कमेंट कर रहे हो, जो करो, टाइम पास करना बंद कर, नो टाइम पास प्लीज, नो टाइम पास प्लीज 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 प्लीज, नो टाइम पास, ओके प्लीज नो टाइम पास। ये सब चीज़ से कुछ नहीं होने वाला यार, कुछ नहीं होने वाला। तुमको क्या लगता है कुछ हो जाएगा? नहीं होने वाला। अब बारी आती है सर मॉक टेस्ट वाली। एक चीज़ का कन्फ्यूजन था बहुत लोगों को, जो 500 से कम भी ला रहे हैं ना, वो भी सोचते हैं डेली मॉक टेस्ट दूंगा तो मार्क्स एकदम बम्पर उठ जाएंगे। भाई नहीं उठने वाले, 250 300 350 आ रहे हैं, और तुम अगर डेली का एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, मान लो 3 घंटे देने के, चलो 3 घंटे लगेंगे नहीं क्योंकि सारे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, 2 घंटे, उसके बाद रेक्टिफाई करके उसको सीखोगे, हाँ मतलब 8 से 10 घंटे, एक दिन में एक पेपर और उसके साथ जो कुछ सीखा है ना। लेकिन एक बात बता, अगर तेरा चैप्टर ही कंप्लीट नहीं है, तेरा चैप्टर ही कंप्लीट नहीं है तो क्या सीखेगा तू? बायोलॉजी के जो बोलते हैं ना, एक और चीज़, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे भैया डबल डिजिट में रिविजन एनसीईआरटी बायोलॉजी, भाई 2 3 बार भी कंप्लीट हुआ है सही से? 2 3 बार भी? ऑनेस्टली बताना यार, दिल पे हाथ रख के, 2 3 4 बार कंप्लीट हुआ ऑनेस्टली? हाँ अगर इतने बार भी हुआ है ना, तो आगे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आ जाएगा, ठीक है आ जाएगा। लेकिन उसके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री को भी तो देखो यार, तुम्हारे पास 3 महीने वाला स्ट्रैटेजी और तुम सोच रहे हो डबल डिजिट में खाली बायो पढ़ लूंगा तो नहीं होगा भाई, क्योंकि तुम्हारे पास 3 महीने हैं, लोगों के पास 2 साल होता है, 1 साल होता है, ठीक है। अभी जो 3 महीना है ना यार, उसको इम्प्रूव कर, उसमें इम्प्रूव कर, उसमें इम्प्रोवाइज कर। एंड गाइज डोंट वरी, एक बात बोलता हूँ ना, सोसाइटी में खाली टॉपर फेलियर नहीं होते हैं, देर आर, ये बोलते हैं ना बीच का जो है ना, टॉपर फेलियर के बीच का जो जगह है बहुत बड़ा गैप है, और इसमें एवरेज बोलते हैं, एवरेज सोसाइटी इससे भी बनती है। 15 लाख में ना, अगर मैं टॉपर को भी हटा दूँ, चलो मैं बोल दिया कि भैया 70,000 सीटें, उसमें टॉप 200 500 जो आप लोगों को अच्छा लगता है देखना, है ना, सबको अच्छा लगता है, एवरी वन लाइक्स दैट, इवन आई लाइक दैट, ठीक है। हाँ कि मेरे को भी अच्छा लगता है, मैं भी नीट पीजी के लिए वैसा देखता हूँ, बट क्या होता है, और वर्ल्ड इज नॉट ओनली दैट, ठीक है, उतना ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं यार जो मेहनत करेंगे उस हिसाब से, और अगर कोई बंदा 2 साल से मेहनत करे देन डेफिनेटली ही और शी डिजर्व्स दैट, ठीक है। अब बारी आती है, 1 साल भी आपने ऑनेस्टली मेहनत नहीं की, अभी तो कर लो, गवर्नमेंट सीट निकालने के लिए एटलीस्ट लॉजिक लगाओ, मिनिमम 590 580 600 तक टच तो करो यार, टच तो कर सकते हो, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा से नहीं तो आप स्टेट कोटा से अपना सीट ले लेना। लास्ट ईयर नीट 2019 पे 582 के अराउंड पे बंद हो गई थी ऑल इंडिया कोटा की, तो यार 580 प्लस थी ना, मतलब इस बार मान लो अगर 585 प्लस भी अब अज्यूम करते हम, ठीक है, दैट्स नॉट अ बिग स्कोर, ठीक है, पहुंचा जा सकता है, पहुंचा जा सकता है। एंड हियर पे क्या होगा, इधर होंगे कुछ क्रिटिक्स, बोलेंगे कि अरे रे रे तुम क्या कर रहे हो ये। भाई देख एक बात बता रहा हूँ, कंपैरिजन ना पेपर एंड स्टैंडर्ड के साथ किया जाता है, हर साल कट ऑफ चेंज होंगे, चेंज होंगे, जो स्टेट कोटा पे आपको यहाँ मिलता है वो वहाँ नहीं मिलेगा, कॉज बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट कॉम्पिटिशन बोलते हैं ना, अलग अलग जोग्राफिकल एरिया कॉम्पिटिशन। तो आप अपने स्टेट का पता करो कितना कॉम्पिटिशन है, उससे 40 50 मार्क्स ऊपर प्रिपेयर करो। एग्जाम्पल लेता हूँ, महाराष्ट्र में अगर कोई बच्चा देख रहा है मेरी वीडियो, भाई तू टारगेट ले ले 550 560 70 ऊपर लेके आने का, उतना 70 के ऊपर अगर टारगेट सोच लिया तो आराम से हो जाएगा। बंगाल में अगर तुम्हारी कंडीशन भाई 250 300 वाली है अभी भी, तो 570 80 तो ले आओ यार, 550 ऊपर भी ले आओगे ना बंगाल में मिल जाएगा सीट, सीट्स की कमी है। लेकिन वही राजस्थान वाले यार, तुम लॉजिक लगाओ, तुम ऑल इंडिया कोटा से जब सीट निकाल सकते हो, मतलब 590 ऊपर लाओगे ऑल इंडिया कोटा में, कहीं ना कहीं तो सीट मिल ही जाएगा, सेकेंड राउंड तक मिल ही जाएगा, कोई चाप की बात नहीं है। सेम कहानी तुम हरियाणा दिल्ली ये सब वाले, भाई दिमाग लगाने का ना, दिमाग से खेलने का, ऐसा नहीं होता। बचपन में पता है क्लास 9 10 में हम सबका सपना होता है रैंक 1 रैंक 1, नहीं आ पाते, बट दैट डजेंट मीन कि लाइफ वहीं एंड हो जाती है, ठीक है। एक बात बता रहा हूँ, लाइफ आपको अपॉर्चुनिटीज देंगी, यूज़ हमको करना है, कब कैसे हिट करना है, लेकिन अभी तुम्हारे पास 3 ही महीने का टाइम है यार, 3 महीने में इम्प्रूव हो सकता है, जितना हो सकता है उतना करो। इधर उधर के नहीं कि भैया वो भी कर ले वो भी कर ले, फलाना कर ले ढिमका कर कुछ भी कर ले, भाई नहीं होगा ऐसे। एक प्रॉपर वे चाहिए तेरे को, तेरे को एक प्रॉपर वे चाहिए कि हाँ ये टिक टिक टिक, ये खत्म हो गया, हाँ ये
हाँ ये खत्म हो गया, ये मेरा वीक था। जरूरी नहीं जो मेरा वीक हो तेरा वीक होगा वो, ठीक है। कुछ बच्चों का बायो वीक हो जाता है, कुछ का फिजिक्स रहता है, फिजिक्स मैथ्स का रहता है, कुछ का केमिस्ट्री भी रहता है, फिजिक्स सही रहता है केमिस्ट्री। तो भाई जो वीक है ना उस पर वर्कआउट कर, उस पर वर्कआउट कर तब जाके इंप्रूव होगा। ऐसे नहीं होता यार, दिस इज नॉट हलवा, ठीक है। कि भैया कोई भी आएगा, कोई भी बोलेगा चलो यार मजा है हो जाएगा MBBS, नहीं होने वाला यार, नहीं होने वाला। स्ट्रगल बोलते हैं ना यार, हसल करो हसल, ये बीवी की लाइन्स थी अगर आप लोग जानते हो तो। क्योंकि आधे बच्चे लोग वहां पे अभी क्या हो रहा है ना, वो सब चीज अभी के लिए इग्नोर कर दो बस थोड़ा दिन के लिए, ठीक है। हसल करो यार, लड़ना पड़ेगा कोई भी चीज के लिए, लड़ना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे भैया तलवार, भाई तुम्हारा तलवार तुम्हारा पेन है और क्या है भैया, तुम्हारा बैटल फील्ड क्या है, तुम्हारा नीट का दिन होगा ना 3rd मई, भाई 70 दिन ऑलमोस्ट बाकी रहेंगे वीडियो जब तक आएगी आपके पास, ठीक है, 70 से 80 दिन के बीच में। ओके इम्प्रूव कर सकते हो आप इम्प्रूव कर सकते हो। आई वॉन्ट कि अगला टेस्ट के लिए आज से प्रिपेयर करो, अगला जो भी टेस्ट हो रहा है आपका आज से प्रिपेयर करो, ठीक है। एंड डोंट वरी यार, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू रिगार्डिंग ऑल द टाइम टेबल्स एंड ऑल। टेलीग्राम का एक ग्रुप है, एक्टिव ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक दे दिया है टेलीग्राम का ग्रुप। वहाँ पर डाउट डिस्कशन टाइप्स, या फिर अगर मैं कोई फ्री क्लासेस देता हूँ वो भी वहाँ पे बता देता हूँ, आप वहाँ पे आके क्लासेस अटेंड कर सकते हो, फ्री की होती हैं। फिर वहाँ से हम लोग और भी बहुत कुछ करते हैं, वही बात बता रहा हूँ कि आप लोग आ सकते हो। कुछ तो पता तो चलेगा कि भैया कितने पानी में हो, कितने पानी में। और वहाँ पे एक दो आपके जैसे 1000 बच्चे हैं, डिस्कस करते हैं हम लोग वहाँ पे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो गाइज हियर वी विल एंड। एंड अगर समझ आ गया वो वीडियो ना, लाइक भी नहीं करना कोई बात नहीं, ठीक है। कमेंट तो करने ही नहीं दूंगा, मैं नहीं चाहता टाइम वेस्ट हो, ठीक है। बस अभी जाके, अभी अभी है ना हाईली चार्ज है ना, कुछ एक टॉपिक पे बैठ और उसको ख़त्म कर, उसके बाद आके मेरे को बताना कहाँ पे। आप इंस्टा पे बता दो या टेलीग्राम पे बता देना, वो 1 घंटे का टाइमर लगा के रखा हूँ उस पर, बताना कि भैया मैंने कुछ काम किया जाके, उसके बाद ही उठना, ठीक है। क्योंकि हाईली मोटिवेटेड होता है अपन जब वीडियो सुनते हैं कि 500 से कमा रहा है, तो क्या कुछ बड़ा टॉपिक ले, करने बैठ, करने बैठ। नहीं समझ आए वीडियोस देख के कर, कहीं भी देख के कर, लेकिन करना स्टार्ट कर। नहीं करेगा तो नहीं होने वाला कुछ। कोई तुम्हारे लिए आके MBBS का सीट तुम्हारे को बोलेगा नहीं, लो वैलेंटाइन डे का गिफ्ट तुम्हारे लिए MBBS का सीट, ऐसा नहीं होने वाला। मेहनत आपको करनी है यार, मेहनत करनी है, मेहनत करना आपका काम है। आपके लिए बस मैं बता दिया इतना, मेहनत करो बस। थैंक यू सो मच यार।